लगातार किसान अपना धरने स्थल पर बैठे हुए हैं, जो सिग्गू बॉर्डर है उसे जाम किया हुआ है। वहीं दूसरी ओर सरकार के साथ वार्तालाप के लिए यहां के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, वार्तालाप जारी है। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि जो यहां बैरियर है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर तादाद आज किसानों की और जो किसान संगठन है उनकी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैथल से करमबीर फौजी हैं, हरियाणा के मशहूर कलाकार हैं, उनसे बात करते हैं। वो भी आज अपनी हिस्सेदारी यहाँ देने आए हैं। करमबीर फौजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 9। थैंक यू जी। भारत 9 चैनल की तरफ से सभी को, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जय जवान जय किसान बोलूँगा आज तो मैं। राम राम सभी को। बिल्कुल, आज आप भी अपनी हिस्सेदारी देने आए हो, कैसे देखते हो सारी चीज़ों को? बहुत ये फ़र्ज है जी हमारा, ये हमारा जो है ना, हम भी किसान हैं। जो हम छोटे थे, हमारा बचपन था जो खेतों में बीतता है, खेतों में काम करते हुए बीतता है। उसके बाद बने हम जवान फौजी हूँ, ऐसे में फौजियों का भी सहयोग है और सारी 36 कौम का सहयोग है। मजदूर गरीब जितना भी है, अकेला किसानों का आंदोलन नहीं है, सभी का आंदोलन है। तो लगातार सरकार से प्रयास थे, पिछले 2 महीने से किसान सड़कों पे थे, धरने अलग अलग जगह पे दे रहे थे, लेकिन सरकार है इनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर में ये लोग दिल्ली की ओर रवाना हुए, सब कैसे देखे? सब सुनेंगे, जायज मांगे हमारी, ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल जायज है, जो किसान आए हुए हैं इसीलिए ये आंदोलन सफल होता जा रहा है। अगर ये गलत होता तो लोग क्यों आते हैं? इतने डिसिप्लिन, इतने अनुशासन से ये आंदोलन चल रहा है। मैं पीछे से आया हूँ, 20 किलोमीटर से पीछे से देखने लग रहा हूँ कि कितना बढ़िया मतलब के माहौल है, कितने लोग यहाँ पर खुले लंगर चले हुए हैं, एक दूसरे से कितना प्रेम प्यार दिखा रहे हैं, कोई आपस में कोई ऐसी बात नहीं है। अनुशासन डिसिप्लिन से जो चीज़ लड़ाई लड़ी जाती है ना, वो हमेशा फतेह होती है। शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन चला हुआ है, बिल्कुल शांतिप्रिय है। उधर दूसरी ओर से जो सरकार की दूसरे दौर की वार्ता आज जारी है, क्या उम्मीद लगती है आपको? इस भीड़ के सामने सरकार क्या करेगी, लोगों के सामने सरकार क्या करेगी? सरकार तो जनता के साथ ही है, जनता ही दुखी होगी तो राज किस पे करेंगे? तो लगातार जनता का दबाव यहाँ सरकार पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मांगे हैं इनकी वो कैसे देखते हैं, कैसे बीच का रास्ता भी कोई है? जनता का दबाव नहीं जी, ये मतलब कि ये अपने दुखड़े रो रहे हैं, किसान खत्म हो जाएगा, और बीच का रास्ता क्या? बीच बात का रास्ता तो फिर बीच का ही होया करा। इक्की बार तो किसान ने मैंने लगा पूरा इरादा करके बैठ गए, अब तो ये पूरा इरादा करके बैठ गए, अपनी जो जायज मांगे हैं वो जायज मांगे मनवाई जाएगी। डंके की चोट पे बोल रहे हैं भाई, मैं फौजी हूँ या खूब फौजी भी आए हुए हैं। बिल्कुल, आप एक कलाकार भी हो, अपने शब्दों में इस सारे वाक्य को, कोई आपने कोई ऐसा कोई दो लाइनें लिखी हो तो वो भी मैं सुनना चाहूँगा। हर सांस लेने की फुर्सत ना, तेरी रोटी आवे खेत में, जमींदार की जिंदगी रे लोगो रुड़गी रेत में, जमींदार की जिंदगी रे लोगो रुड़ रही रेत में। मैंने पहले भी बताया था किसानों के जितने सॉन्ग आवे सैड सॉन्ग क्यों आवे, क्योंकि किसान जो है बेचारा इतनी मेहनत करके और पूरे देश का पेट भरता है, और यहाँ भी पेट भर रहा है। पूरे भी मैं पीछे देखा गंडों की ट्राली और के तेरे ये गोभी गाजर आलू न सारे ठोक ठोक कर लोगों ने भी खड़ा रहे हैं, खाओ चखो, इस जैसे तो अंदाता नहीं है कोई। बिल्कुल, सरकार लगातार झुकने का नाम नहीं ले रही, इतनी तादाद है, इतना रोष है, लेकिन फिर भी क्या आप क्या मानते हो? सारा काम होगा, झुकेगी, झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेगी तो मारे लाग लिए समझ लो सरकार के, फिर सीधी सी बात है, जैसे हरियाणा में क्या करें। तो लगातार हरियाणा का सीएम कह रहा था कि ये जो लोग हैं ये पंजाब की संख्या ज़्यादा है, हरियाणा की संख्या नहीं है, कैसे देखते हैं आप? खड़े हैं हरियाणा के मजबूत आदमी, खड़े हैं आप लोगों के सामने, ये पूरे देख लिए मेरे गांव से, पट्टी अफगान से आए हुए हैं। हरियाणा तो इतना है कि पूछो मत, बहुत ये तो देखो, पंजाब तो चलो हमारा बड़ा भाई है, पंजाब तो एक सिख तो एक ऐसी लड़ाकू को मैं झाड़गी अड़गी और उसके साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जोश है यहाँ, जो हरियाणा के जो एक प्रसिद्ध गायक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपना सपोर्ट है वो इस आंदोलन को कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि जो वार्तालाप जारी है दिल्ली के अंदर, उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, बेसब्री से इन लोगों को उसका भी इंतजार है। आप बने रहे, आपको फिर और शख्सियत के साथ बातचीत करवाएंगे, तब कल के लिए नमस्कार।